नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। राहुल गांधी, मोदी जी देश के दिल में है, दुनिया के मन में है। मोदी जी देश की श्रद्धा और आस्था का केंद्र है और पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिकी हुई है, विश्व के कल्याण के लिए भी। लेकिन राहुल गांधी जी विद्वेष से इतना भर गए हैं कि उनको देश का कितना भी बड़ा नुकसान हो, उनको खुशी होती कोई टिप्पणी करने का मौका प्रधानमंत्री जी पर मिल जाए। मैं मानता हूं कि उनका ये बयान सचमुच में शर्म को भी शर्म कर जाए और ऐसे बयानों से वो कांग्रेस को समाप्त करेंगे। लेकिन चुनावी सभा के दौरान इस प्रकार की बात कहना, क्या इसके पीछे क्या मंशा लगती है आपको? नहीं, मैंने कहा कि उनका ये बयान देश के विरोध में है और देशद्रोह जैसी सीमा में आता ही है। क्या आपको खुशी हो रही है कि हार गए हार गए हार गए? मुझे तो आश्चर्य होता है ये आदमी के मन में जरा भी देश प्रेम है क्या? कहीं से कोई देश प्रेम का भाव ही नहीं दिखाई देता। आप राजस्थान के रण में हैं और ERCP पूर्वी राजस्थान के लिए एक बड़ा इशू बनकर उभरा है। ERCP को लेकर लगातार ये बात कही जाती रही कि MP जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। कब सपोर्ट मांगा इनने? कोई गहलोत जी बताए, एक बार मिले, एक बार कोई चर्चा की? ये केवल चुनावी मुद्दा बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सारे देश को एक मानती है, राजस्थान भी हमारा है। मैं कह रहा हूँ राजस्थान हमारा है, अपना प्यारा राजस्थान, गर्व है हमें अपने राजस्थान पे और अपना प्यारा मध्य प्रदेश। भारत भाजपा की सरकार बनेगी, दोनों राज्य सरकारें बैठेंगी और बैठ के दोनों राज्यों के हित में समाधान निकाल देंगे। एक आखिरी सवाल, अब आपके मध्य प्रदेश का वहाँ चुनाव प्रचार संपन्न हो चुका है, क्या लगता है इस बार किस प्रकार की स्थिति रहने वाली वहाँ पर? अब तक की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है आज शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के CM, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ERCP का जो मुद्दा है राजस्थान का, उसे मिल बैठकर बाद में सुलझाया जाएगा। कैमरा पर्सन नवीन के साथ सौरभ ग्रहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।